हम निकले हैं हरियाणा के सफर पर। हम पहुंचेंगे डबवाली, और डबवाली में जाने के नैना सिंह चौटाला की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि पहली बहू हैं चौटाला परिवार की जो चुनावी मैदान में उतरी हैं और जिम्मेदारियों को संभाला है। इस बार उन्होंने एक जज्बा चाहिए होता है इसके लिए, देखेंगे क्या उस जज्बे को वो अभी तक अपने में लेकर आ भी पाई है या फिर नहीं, और उसे कायम किस तरह से रखेंगी, क्योंकि घर में और राजनीतिक जीवन में बहुत फर्क होता है। तो क्या इन चुनौतियों के लिए नैना सिंह चौटाला तैयार हैं? हम निकल पड़े हैं डबवाली के सफर पर और आपको भी लिए चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी, आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। आज हम खड़े हैं डबवाली की सरजमी पर और यहां पर हम जानेंगे किस तरह के हालात बने हुए हैं। पहली महिला उम्मीदवार यहां से इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, नैना सिंह चौटाला से हम इस बार जानेंगे कि इस बार क्या कुछ खास तैयारियां लेकर वो उतरी, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले गृहस्थी संभाली है लेकिन इस बार राजनीति के मैदान में उतरी है, तो राजनीति के दांव पेच किस हद तक वो जानती है, उसके लिए किस हद तक तैयार है। नैना जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये, आप चौधरी देवीलाल की बड़ी बहू हैं, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के लिए किस हद तक खुद को तैयार मान रही हैं आप? हाँ जी, मैं चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी पुत्र वधु हूँ, और इस जिम्मेवारी को मैं सामाजिक रूप में ज़्यादा लेना चाहूँगी, क्योंकि चौधरी देवीलाल की पार्टी जो व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, वो एक पूरी संस्था है, और जहाँ संस्था का नाम आ जाता है वहाँ जिम्मेवारी कर्तव्य सब बराबर सब लोग मिलजुल के निभाते हैं। यानी आप पूरी तरह से तैयार हैं इस बार के चुनावी मैदान में? बिल्कुल तैयार हैं। आपको दिख नहीं रहे हमारे साथ कितने डटे हुए हैं लोग? अच्छा, हम एक चीज़ देखते हैं नैना जी, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, देखिए महिलाएं यहाँ पर नौकरियाँ बहुत कम करती हैं, सुरक्षा को लेकर चाहे हम चीज़ों को देखें, वो कई बार परेशान रहती हैं कि सुरक्षा नहीं मिलेगी, या फिर सुरक्षा के पहले मुद्दा उठाते हैं, सुरक्षा के लिए क्या किस तरह से आप पहल करेंगी? महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये तो सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है मुझे आपका, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है एक महिलाओं की, और चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सबसे पहले अगर कोई स्टेप उठाएंगे तो महिला सुरक्षा का लेंगे। ठीक है, महिला सुरक्षा की बात हुई है, जब महिला सुरक्षित महसूस होगी तो वो घर की चार दीवारी में खुद को कैद करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, जब वो घर की चार दीवारी में कैद नहीं होगी तो वो आगे बढ़ेगी, उसे नौकरियाँ भी चाहिए होंगी, और नौकरियों में भेदभाव तो बहुत ज़्यादा होता है हरियाणा के अंदर, तो क्या उसके लिए भी तैयार है, और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे, या लड़कियों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन होगा? देखो, अब तक जो नौकरियां लगी हैं वो सिर्फ रोहतक और झज्जर में लगी है, कोई भेदभाव नहीं होता, अब भेदभाव हुआ है, पर आगे चौटाला साहब के आने के बाद ना पहले भेदभाव हुआ था ना अब होएगा। यानी सर्वांगीण विकास होगा और महिलाएं आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल, सर्व विकास होएगा हरियाणा का और महिलाएं आगे बढ़ेगी, और आप इस चीज़ को आप खुद ही कहोगे कि सचमुच में हरियाणा की महिलाएं आगे आई हैं। अच्छा, एक बात और बताएगा, अभी तक अजय सिंह चौटाला जिम्मेदारी को संभालते रहे डबवाली की, इस बार आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, और आपके लिए चुनौती ये भी इस वक्त बहुत बड़ी है कि आप अजय सिंह चौटाला से भी बेहतर काम करके दिखाएं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बेहतरी की बात करते हैं, तो वो वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो अलग किस तरह से हो सकती हैं? अजय सिंह चौटाला से तो मैं ये कंपटीशन नहीं करके चलूंगी, लाइफ से भी कोई अपने वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ कंपटीशन करे, मैं कभी कंपटीशन की बात नहीं, मतलब हम आगे बढ़ते हैं तो हम तरक्की करते हैं, अभी तक अजय सिंह चौटाला ने जो किया उससे आगे आप क्या करेंगे? तरक्की की बात दूसरी है, और अजय सिंह से आगे निकल के मैं कोई ऐसा काम करूँ वो शायद मुझे शोभा नहीं देगा, मैं अजय सिंह जी को साथ लेके ही काम करूँगी, वो मेरे सुख दुख के जब फेरे लेती है ना एक महिला, तो आधे वचन आदमी भरता है आधे महिला भरती है, तो दोनों ने बराबर वचन भरे हैं और बराबर ही साथ चल के हम लोग काम करेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, यानी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह आप लोग आगे बढ़ेंगे और उन्हीं दोनों पहियों के सहारे आप यहाँ के हलके का जो विकास है वो कराना चाहती हैं, राइट? बिल्कुल, विकास आप करवाएंगे, आप देखोगे, और मैं कहती हूँ पूजा आप दोबारा आना, विकास देखने के लिए जरूर आना हरियाणा में। आप पहले शूटर रही और पहले फिर उसके बाद घर संभालती हैं, अब राजनीति में उतरी हैं, ये तीन फेजेस आपने देखे हैं लाइफ के, क्या फ़र्क है इन तीनों के अंदर? हाँ, मैं जितने कॉलेज में थी मैं शायद नर्सरी से लेके फाइनल ईयर तक बोर्डिंग स्टूडेंट रही हूँ, मैं 14 साल हॉस्टल की हेड गर्ल रही हूँ, मैं अच्छी शूटर थी, और मेरी जो शादी के बाद जो तमन्ना थी ना वो यही थी कि मैं बच्चों को बहुत आगे निकालूं मेरे, शायद उस चीज़ में मैं अपने आप को कामयाब मानती हूँ। बिल्कुल, चलिए, यानी बच्चों की जिम्मेदारी को संभाला और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब पहले अपने बच्चों को संभाला, अब इस हल्के के बच्चों को संभालना है। बिल्कुल, मेरी बहनें हैं, बच्चे हैं, यूथ है, अब तो मैं यूथ का जो जोश देख रही हूँ ना वो तो गजब ही है इस बार। एक बहुत बड़े परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, देखिए हमने बहुत परिवर्तन देखे, लोग कहते हैं कि रोहतक में विकास हुआ वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इस हल्के की बात करें, हरियाणा की बात करें, वो कौन सा ऐसा बड़ा परिवर्तन होगा जो आप करना चाहते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं कि हरियाणा ऐसा हो?
महिलाओं की एजुकेशन सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे जो जरूरत महसूस हुई है ना इस फील्ड में आके, वो ये है कि एजुकेशन को हम बहुत बढ़ाएंगे, खासकर महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा, महिला एजुकेशन। बाकी मेरी बहनों से मैं बीच में जाके पूछूंगी और मैं पूछती भी हूँ कि मुझे आप सिखाओ, क्योंकि आदमी जब बाहर निकलता है तो कुछ ना कुछ शाम को घर सीख के ही आता है। तो मैं हर बार महिलाओं से पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जी हाँ, तो हम खड़े हुए हैं डबवाली की सरजमी पर, जैसा कि हम बार बार दोहरा रहे हैं, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें कि नैना सिंह चौटाला को लेकर लोगों के मन में इस वक्त इच्छाएं क्या हैं, लोग कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं नैना सिंह चौटाला से। जैसा कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं, नैना सिंह चौटाला सिर्फ अब गृहस्थ में रहने वाली ही एक फीमेल नहीं बची है, एक औरत नहीं बची है, जबकि अब किसानों से भी मुलाकातें हो रही हैं, अब उनसे बातचीत भी हो रही है, महिलाओं की समस्या जानने की भी कोशिश हो रही है, यानी घर से लेकर अब खेतों तक पहुंच चुकी है नैना सिंह चौटाला, और हर किसी के दिल में जगह बनाने की इस वक्त जो है कोशिश नैना सिंह चौटाला करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है जो कि किसान वर्ग से संबंधित हैं, और हम जानते हैं कि उनकी किस तरह की समस्याएं हैं और उस पर नैना सिंह चौटाला से कितनी उम्मीदें ये लोग लगाए बैठे हुए हैं। आप परेशान होते हैं, नैना सिंह चौटाला से कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? बहुत उम्मीदें हैं यहाँ। क्या लग रहा है कि बहुत परिवर्तन होगा इस बार? हाँ जी हाँ, विकास होगा यहाँ पर। हाँ जी होगा। इस बार आपके यहाँ से महिला कैंडिडेट उतरी है नैना सिंह चौटाला, खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। क्या लग रहा है, सारे काम हो जाएंगे? सारे काम हो जाएंगे, खुश हैं हम तो। चलिए, इनको लगता है कि खुश हैं और सारे काम भी हो जाएंगे। एक और हमारे साथ महिला भी हैं, बड़ी धूप में काम करती हैं ये महिलाएं, आप देख सकते हैं किस तरह से मेहनत कर रही हैं, और इस बार उम्मीद है कि अगर एक महिला इस बार उम्मीदवार बनी है, अगर वो चुनाव में उतर रही है, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। इनको बहुत ज्यादा आस है, आपको भी बहुत ज्यादा आस है नैना चौटाला से? क्या लगता है कितना बदलाव वो करेंगी? क्या आप अपनी, आपकी बेटी है घर में? हाँ। क्या करती है नैना सिंह चौटाला, अगर आती है तो आपको लगता है कि उसका भविष्य संवर जाएगा? हाँ जी। चलिए, तो जिनकी बेटियां हैं वो इस वक्त ये सोच रही हैं कि एक घर की जो बहू है, जो बेटी है, वो इस वक्त निकली है बाहर, और उसके बाहर निकलने से कम जो है बहुत सारी चीजें बदलेंगी। हम नैना जी के पास भी चलेंगे क्योंकि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो हम नैना जी से भी जानेंगे कि इन उम्मीदों को लेकर वो किस तरह की कोशिशें इस वक्त कर रही हैं। लोगों की बात आपने सुनी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि आप इतनी ज़्यादा उम्मीदों के लिए पूरी तरह तैयार हैं, कमर कस चुकी हैं कि इस बार चुनावी मैदान में उतरी हूँ तो लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगी? चोई देवीलाल का परिवार हमेशा उम्मीदों पे खरा उतरा है, खरा ही उतरेगा, तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। चलिए, नैना चौटाला भी पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं और पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं चुनावी मैदान में, और जाहिर सी बात है जीत के लिए टकटकी वो भी लगाए बैठी हैं, और उम्मीद है कि इस बार चौटाला परिवार की जो बड़ी बहू चुनावी मैदान में उतरी है, शायद यहां पर जीत हासिल हो करेंगी, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, पहली बार एक महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी है। आप राजनीति में पहली बार उतर रही हैं, मकसद क्या है राजनीति में उतरने का, असल मायने में? मकसद की बात करो तो राजनीति में उतरने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा तो ये है कि मैं जिस हिसाब से मुझे उतारा गया, जिन परिस्थितियों में, मैं यही चाहूंगी कि मैं महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा करूँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, हम देखते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति के अंदर वो बहुत कम रहती है, उसकी वजह क्या मानती हैं? हमारी पार्टी में तो भागीदारी कम नहीं है, चौटाला साहब ने 16 सीटें दी हैं, आज तक किसी पार्टी ने दी नहीं, तो ये आप हमारे लिए नहीं कह सकते बिल्कुल भी। लेकिन आप भी काफी वक्त बाद उतरी राजनीति के अंदर, उसकी वजह क्या? बस घर संभालना मेरा कर्तव्य था, वो मैं संभाल रही थी, अजय सिंह जी राजनीति कर रहे थे, परिस्थितियां ऐसी होगी कि हमें आना पड़ा पॉलिटिक्स में। आप जब विधायिका बन जाएंगी तो आप अपनी सोच के मुताबिक चलेंगी, या फिर जिस तरह से काम अजय जी ने किया उसी तरीके से आप भी काम करेंगी? महिलाओं के लिए शायद मैं अजय जी को कुछ नई चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि महिलाएं जितना मुझे खुल के बताएंगी वो शायद अजय जी को नहीं बता पाती कभी भी, और बाकी जो फैसले हैं मिलजुल के करते कर लेंगे, सारी उम्र मिलजुल के काम किए पति पत्नी ने, तो आगे के फैसले भी हम लोग मिलजुल के लेंगे। अच्छा, आप लोगों से मुलाकात कर रही हैं, पहली बार है कि आप इतने सारे लोगों से एक साथ मिल रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है ये आपका? ये मेरे जीवन का वैसे तो नया एक्सपीरियंस है, और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के नाते मिलते जुलते रहते हैं लोगों से, पर पब्लिक जो मीटिंग्स की है ये मेरे लिए कुछ नया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चुनावी मैदान की, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले उम्मीदवार हैं, और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पहली दफ़ा चुनावी मैदान में उतरे हैं, थोड़ा सा डर महसूस नहीं होता कभी कभी? बाकी मैंने तो उम्मीदवार ही मैदान में नहीं देखे, मैं तो रोज़ पूछती हूँ कि कहाँ है कांग्रेस और कहाँ है बीजेपी, मुझे तो इनेलो इनेलो नज़र आ रही है। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक्सपीरियंस आपने बताया कि ये बहुत अच्छा है, दूसरा आपने कहा कि महिलाओं की बात को आप उठाएंगी, जब आपको ये फैसला करना था कि अब आप चुनाव में उतरने जा रही हैं, एक जज्बा आपको चाहिए था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो मतलब कैसे आपने अपने अंदर उसको आप लेकर आई?
लोगों का सहयोग जो मुझे मिल रहा है ना, खासकर महिलाओं का, उससे अंदर मतलब मुझे एक लगता है भी हाँ सच में महिलाएं चाहती थी इतने लंबे 62 इयर्स के बाद में भी ये बोल नहीं पा रही थी, पर एक मन इनके मन में था भी कोई महिला आए आगे होके, तो अब रास्ता खुल गया, पीछे महिलाएं आएंगी देखना आप धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताएगा, चलिए तो ऐसी आपने कहा कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, अगर अजय सिंह चौटाला के साथ में ये घटना ना घटी होती तो क्या आप कभी कल्पना कर पाती इस बात की कि आप भी राजनीति में उतर के एक समाज सेवी के तौर पर काम कर पाती? अजय जी अगर बाहर होते तो शायद मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाती, और बाकी विधाता ने किसके मुकद्दर में क्या लिख रखा है इसका अपन कभी सोच भी नहीं सकते भी। अब वो अपने हिसाब से डोर हिलाता है और अपन चलते हैं बस उसके पीछे, ये चीज़ मैंने देखी है। और मैं पीछे रह के समाज सेवा कर लेती, मुझे शौक है, मैं वैसे भी करती हूँ कुछ ऐसे कार्य, और अब तो मैं इस इलेक्शंस के बाद में तो मैं इतने लोगों से कॉन्टेक्ट में आई हूँ दिल्ली, जितने NGO है, मैं पूछ रही हूँ भी हमें कुछ ऐसा बताओ आप लोग ताकि हम हरियाणा में करें महिलाओं के लिए। देखिए घर में जब ज़्यादातर आप खाली होती हैं तब आप क्या करती हैं? खाली होने के बाद में जो मेरा मन का शौक है, सबसे ज़्यादा जो मुझे शौक है वो इंटीरियर का है, तो घर को साज सज्जा का जो शौक है ना मैं उसी में लगी रहती हूँ। घर की साज सज्जा आपका शौक है और बेहतर तरीके से आप उसको करती भी हैं, अब उसी तरीके से आपको यहाँ के हल्के को भी सजाना है, यहाँ पे जो हालात ख़राब हैं उसको भी, उसके लिए भी तैयार हैं आप, यहाँ पे भी एक डिज़ाइनिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपको करनी है? बिल्कुल, महिलाएं मिलके इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे, पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग वो नहीं जो फर्नीचर की और उसकी होती है, ट्यूबवेल, बिजली, एजुकेशन, लड़कियों का रेशो बढ़ाएंगे हम लोग, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ये काम है, महिलाओं को जागरूक करेंगे उसके लिए। और बाकी जो मुझे लगता है थोड़ी साफ सफाई जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गांव भी बहुत अच्छे गांव निकल के आ सकते हैं। अगर हम ओपी चौटाला की बात करते हैं, ओपी चौटाला ने जिस तरह से जींद में रैली की, एक बहुत बड़ी रैली की, चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस मनाया, क्या मानती है कि उसने जान फूकने का काम किया इन चुनावों में कार्यकर्ताओं के बीच? बिल्कुल, लोग पलकें बिछाए बैठे थे चौटाला साहब के लिए, मतलब मैं अब फील्ड में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ औरतों को, कैसे बुजुर्ग औरतें उनके लिए रो रही हैं, आंखों में उनके ऐसे आंसू चलते हैं, बुजुर्ग जैसे हम उनका नाम लेती हूँ ना मैं तो चौटाला साहब बोलती हूँ, वैसे बूढ़े आदमी तो रोना ही शुरू कर देते हैं, तो आप ये सोचो भी उनका कितना इंतज़ार है लोगों को। देखिए एक चीज़ है, हार और जीत दोनों पहलू होते हैं, मान लीजिए कल को अगर इनेलो की सरकार नहीं बनती, 1% हम मान के चलते हैं ऐसा कि नहीं बनती, और आप अकेले यहाँ पर विधायिका बन जाती हैं, तब भी अगर किसी और पार्टी की सरकार होती है आप उस लड़ाई को लड़ पाएंगी? पहली बात तो किसी और पार्टी की सरकार इस बार बनेगी नहीं, चौटाला साहब की ही सरकार आएगी, इंडियन नेशनल लोकदल की। और बाकी क्वेश्चन आपको मैं आंसर क्या दूँ, जो बात है ही नहीं तो आप उसका पूछो ही मत। आपको नहीं लगता कि आपकी मुस्कुराहट भी लोगों को बड़ा आकर्षित करती है, मतलब आप जब बोलती हैं बातों को, अब तक आपको लोगों ने सुना नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो पहले की खामोशी रही और अब इस तरह बोलना, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कर रहा है? वो तो आप लोगों से पूछो, मैं स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, यहाँ अगर मैं अपनी प्रेज करूँगी तो समझो एक कोने में मैं बहुत ही कमज़ोर महिला हूँ, तो ये मैं प्रेज नहीं करूँगी अपनी कभी भी। हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों से हम जान लेते हैं कि फिलहाल वो सोच क्या कुछ रहे हैं। नैना सिंह चौटाला उतरी हैं, उनके अलावा और भी उम्मीदवार हैं, नैना सिंह चौटाला आपको ज्यादा मजबूत उम्मीदवार नजर आती है या फिर और भी चेहरे हैं जिनको आप मानते हैं कि मुकाबला काफी तेज होगा उनकी वजह से? नैना सिंह चौटाला एक तरफा चुनाव जीतेंगे भारी बहुमत से, कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। नैना सिंह चौटाला में ऐसा क्या खास है? उन्होंने उनका परिवार सदा से मतलब परिवार के साथ मतलब काम करता है, लोगों का ख्याल रखा है उन्होंने और पूरा काम करते हैं पर इनके गांव वालों के लिए। एक घर की बहू आपको लगता है कि हल्के की जिम्मेदारी को संभाल सकती है बेहतर तरीके से? नैना जी चौटाला अवश्य हल्के को संभालेगी, बहुत अच्छी तरह से संभालेगी, लोगों के दुख तकलीफों को अच्छी तरह से जानती है। चौधरी देवीलाल के परिवार से ये महिला जो पहली नेत्री है जो ये विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो इनके अंदर ऐसी नेक नियत ये है जो कि चौधरी देवीलाल जी के पचीनों पर चलते हुए, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और अजय सिंह जी की के जो भी नीतियाँ हैं उनके ऊपर चलते हुए हल्के का विकास कराने में अहम भूमिका रोल अपना अदा करेंगी। कभी आप लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं आता कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला गए ही भर्ती घोटाले मामले में सलाखों के पीछे हैं तो वो सही आदमी नहीं है, कभी ऐसा ख्याल आता है क्या दिमाग में? वो सही आदमी है, उनके जानबूझ के कांग्रेस वालों ने फंसाए हैं, उन्होंने 3,200 छोरे लगाए हैं उनके लिए, उनको जेल भेजा गया, षड्यंत्र रचा है कि भाई इनको आपके बारे अंदर भेज दो तुम्हारी तीसरी बार सरकार आ जाएगी, लेकिन ये उनके विपक्ष हो गया।
हम इस वक्त डबवाली में मौजूद हैं। हमारे साथ में मौजूद नैना सिंह चौटाला जो कि इस बार महिला उम्मीदवार हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। जानते हैं उनसे इस बार का उनका एक्सपीरियंस किस तरह का अभी तक रहा है और आगे क्या कुछ सोच उनके पास है जिसको लेकर वो मनी डबवाली के लोगों के साथ मुलाकात कर रही हैं और उन्हें एक सपना दिखा रही हैं। नैना सिंह चौटाला जी, अभी तक आप घर में रहीं, पहली बार आप लोगों के बीच में निकल रही हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जिस हिसाब से बांगड़ी बेल्ट की महिलाओं ने मेरा साथ दिया है ना, वो देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप देख रहे हो यहाँ कितनी बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, देखो उधर कैमरा करो थोड़ी देर। आप देखिए, यहाँ पर महिलाओं ने घूंघट कभी नहीं अपना ऊपर किया और आप पहली ऐसी महिला हैं जो बोलने का भी एक जज्बा जो है लोगों के बीच में लेकर आ रही हैं, तो ये एक अलग तरह का एहसास है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने कोशिश की है, जिस तरह से आप आगे बढ़ी हैं, उसी तरीके से यहाँ की जो महिलाएं वो भी आगे बढ़ सकेंगी, वो तरक्की कर सकेंगी? हर काम की शुरुआत कोई एक आदमी करता है, मेरे से शुरुआत हुई है 62 वर्षों के बाद। अब आप धीरे धीरे देखना, मैं इस सिरसा जिले की औरतों को बाहर लेके आऊंगी, बहुत कुछ करूंगी मैं महिलाओं के लिए। यहाँ की अगर हम महिलाओं की समस्याओं की बात करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आखिरकार यहाँ पर क्या है महिलाओं के लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है, शौचालय की है, बिजली की है। महिलाओं के लिए खासकर तो बिजली और पानी सबसे बड़ा है। और उसके लिए शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा, शिक्षा बहुत कम है सिरसा बेल्ट में, बहुत ही कम लड़कियों के लिए। उसकी वजह आप क्या मानती हैं? आपका जुड़ाव सिरसा से बहुत, कोई नया जुड़ाव नहीं है, बहुत पुरानी यहाँ से बिलोंग करती हैं और यहाँ पर इतना पिछड़ापन, उसकी वजह क्या मानती हैं आप? पीछे चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे तो हमने बहुत कॉलेजेस खोले लड़कियों के लिए, पर पिछले 10 सालों से सिरसा बहुत पिछड़ गया है, उसी को हम आगे लाने का हर संभव प्रयास करेंगे जब चौटाला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। चौटाला साहब मुख्यमंत्री होंगे वो आगे की बात, लेकिन अगर नैना सिंह चौटाला एक विधायिका बन जाती हैं तो सबसे पहला कदम क्या होगा नैना सिंह चौटाला का? मैं विधायिका बन के मेरी महिलाओं के लिए महिला कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेज, नवोदय विद्यालय, बहुत कुछ ऐसा लेकर आऊँगी जो इनको सच में लगेगा भी हाँ किसी को चुन के भेजा तो है विधानसभा में। अभी तक तो मैं बिल्कुल एक घरेलू महिला थी, मैंने मेरा मतलब मन का बता रही हूँ आज आपको, भी मैं यही सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को कामयाब बना दूँ। सबसे पहले मैं एक अच्छी बहू बन, पहले कोशिश थी कि मैं एक अच्छी बहू बनूँ, फिर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूँ। आज आपके सामने मैं अपने बच्चों को तो कामयाब बना दिया, बिल्कुल यही मेरा मकसद था सबसे। और अब राजनीति में आई हूँ तो महिलाओं को आगे लाना मेरा मकसद है। तो पहले घर की जिम्मेदारियों को पूरा किया है, अब समाज की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उतरी है चुनावी मैदान में। देखते हैं कैसा सफर रहता है नैना सिंह चौटाला का। डवाली की जमीन पर पहली महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी है। महिलाओं को काफी अपेक्षाएं हैं, हम उन्हीं महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक का सफर उनका कैसा रहा है और अब जबकि एक महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है तो किस तरह की जो अपने लिए सुविधाएं हैं वो देख पा रही हैं। हमारे साथ में यहीं की एक महिला मौजूद है, उनसे जानते पहले कि समस्याएं किस तरह की हैं डवाली के अंदर। अगर हम डवाली की परेशानियों की बात करते हैं, डवाली में किस तरह की परेशानियों से आपको लगातार जो है दो चार होना पड़ता है? हाँ जी, डबवाली में परेशानी जी, एक तो लाइट बहुत कम रहती है जहाँ पर, परेशानी सारा दिन गर्मी में सारा दिन हमें भी बैठना पड़ता है, और बच्चे पढ़े लिखे नौजवान भी बहुत है जहाँ पर, जिनको नौकरियाँ वगैरह भी बहुत कम मिल रही है। हमें बहुत आशा है नैना चौटाला से भी जीत, हम बहुत भारी मतों से इनको विजय दिलवाएंगे जी। पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर महिलाओं में, हम देखते हैं आज भी महिलाएं घूंघट प्रथा में अभी तक अटकी हुई हैं, क्या वजह है कि महिलाओं का इतना पिछड़ापन यहाँ पर है? कि यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग कम लिखे पढ़े हैं, पढ़े नहीं हुए यहाँ, और जो एजुकेटेड पर्सन हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही, इनके कारण वो काफ़ी पिछड़े हैं, उन्हें आजकल की नॉलेज नहीं है कि देश कैसे चलता है। इसलिए हमें आशा है कि नैना चौटाला है वो हमारे देश का विकास करेंगी, जिससे हमारे पिछड़े वर्ग आगे आएगा और देश का विकास होगा। महिलाएं देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं, यहाँ पर भी महिलाओं को इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अगर नैना सिंह चौटाला विधायिका बन जाती हैं तो महिलाओं के लिए कम से कम कुछ अच्छे काम जरूर होंगे। देखिए,
नौकरियों की अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों को घर में रुकना पड़ता है, चूल्हे चौके में ही वो उलझ के रह जाती हैं, घर के गृह गृहस्थी संभालने में उनकी जिंदगी गुजर जाती है। आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते आपको लगता है कि अगर नैना सिंह चौटाला को जीत मिलती है तो आपको बढ़त मिलेगी, आप लोगों को नौकरी के जो अवसर है वो ज्यादा मिलेंगे? यस मैम, लगता तो है ऐसे। नैना सिंह चौटाला ने भी एक बहुत लंबे वक्त के बाद में हिम्मत की है, वो चुनावी मैदान में उतरी है, वो राजनीति में आई है, उनका ये पहला एक्सपीरियंस है, ज्यादा उम्मीदें हैं आपको या फिर लगता है कि एक पहला उनको हमें एक मौका देना चाहिए? नहीं, हमें एक मौका भी देना चाहिए और हमें उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक औरती है, हम भी चाहते हैं कि वो हमें नौकरी दे, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें इस बार नौकरी जरूर दिलवाएगी। नैना सिंह चौटाला इस बार चुनाव में उतरी हैं, महिला हैं, पहली महिला जो चुनाव में उतरी हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको उनसे? बहुत ज्यादा होगा जी, हाँ जी, वोट इनको ही देना है जी, वही सारी उम्र देश से नहीं देनी है, हाँ जी, जीते जे चार साढ़े सारे कम अटके पे है जी, इन्हों तो बिना जेल चो बहर आ जाए जी, साढ़े सारे कम शुद्ध हो जाएंगे जी। जैसे कि नैना चौटाला जी ने कहा कि चुनावी मैदान में उतरी हैं तो अब इस मैदान को छोड़कर नहीं जाएंगी, चाहे जय सिंह चौटाला अगर वापस भी आती हैं तो उनके साथ को लेकर वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन लोगों को धोखा नहीं देंगी, ये उनका कहना है। आखिरकार पूछ लेते हैं कि हल्के की जनता से कहना क्या चाहती हैं नैना जी, नैना जी आखिर में क्या कहना चाहती हैं आप लोगों से? इन नैलों को बटन दबाओ, चश्मा पे मोर लगाओ और चौटाला सरकार लेकर आओ। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, रैलियाँ हम बहुत देखते हैं, ये रैलियाँ जो होती हैं आपको नहीं लगता कि रैलियों की जगह पर जो बड़ी बड़ी, आप ही की बात नहीं कर रहे हो, और पार्टी बहुत बड़ी रैलियाँ करती हुई नजर आती हैं, नहीं लगता कि एक वो वेस्ट ऑफ मनी जैसा होता है? नहीं, वो जनता जनार्दन से जुड़ने का जो रैली है वो एक माध्यम होता है, हर लोग वहाँ पहुँचेगा अपने नेता की बात सुनने का। देखो आप गाँव में जाते हो, सबसे मिलते हो, पर वहाँ एक जो पब्लिक मीटिंग होती है उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है हमेशा लोगों पर। तो ये थी नैना चौटाला जो कि देवीलाल परिवार की बहू हैं और इस बार मोर्चा संभाला हुआ है उन्होंने अजय सिंह चौटाला की एब्सेंस में, और चुनावी मैदान में डटकर लड़ने को तैयार हैं, कमर पूरी तरह से कस चुकी हैं, लोगों से अपील कर रही हैं कि इस बार उन्हें विजयी बनाएं ताकि वो महिलाओं की और यहाँ के हल्के की जो भी समस्याएँ हैं उनको दूर कर सकें। डवाली से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं पूजा यादव, जनता टीवी। दीवारों में आ जाएगी जान जब उन पर लगेगी अर्थ पीओपी। दीवारों को बनाए मजबूत अर्थ पीओपी से। सुनो जी, रसोई गैस खत्म हो गई है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, कहाँ से इंतजाम कर...